वेलकम बैक अगेन गाइड्स। आज एक अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू लेकर आया हूँ मैं आपके लिए फिर से, ये नार्जो 20 प्रो का। तो शुरू करते हैं। तो डिवाइस का नाम है रियलमी नार्जो 20 प्रो। आप लोगों ने नाम सुना होगा और इस वक्त रिव्यू करने का मतलब रिव्यू नहीं, ओवरव्यू देने का मतलब ये कि ये फ्लिपकार्ट के सेल में काफ़ी सस्ता मिल रहा था। आगे दिवाली सेल में हो सकता है फिर से सस्ता है। 2500 रुपये का डिस्काउंट था एक्सिस बैंक के कार्ड्स पर, जिसकी वजह से ये 664 GB वर्जन 11500 में अवेलेबल है, जो कि अदरवाइज़ 14000 का मिलता है। तो ज़्यादा पुराना फ़ोन नहीं है, अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। तो बस आज इसी का ओवरव्यू लेने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, सबसे बड़ी खासियत 65 वॉट सुपर डार्ट चार्ज के साथ आता है। 4500 mAh की बैटरी है। हीलियो G95 गेमिंग प्रोसेसर है। ऑल्दो मैं कोई गेमर नहीं हूँ, बट स्टिल जितना मैंने इस प्रोसेसर के बारे में पढ़ा है, प्रोसेसर गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप गेमिंग करने वाले हैं तो बेफिक्र होकर इसको ले सकते हैं। 90Hz अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले है। 90Hz ठीक है, बट हर जगह इसके बारे में यही सुना है कि फ़ोन्स पर ये इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि 90Hz से कि 60Hz से, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है। 48MP क्वाड कैमरा है, जो कि आपको हर दूसरे फ़ोन में मिलेगा, और 16MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। ये रियलमी 7 की कॉपी है, बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पर 48 है, वहाँ 64 है, और पीछे डिज़ाइनिंग का फ़र्क है बैक में, दैट्स इट। इसके अलावा आप देख सकते हैं 6GB रैम 64GB रोम वाला वर्जन है ये। इसको अनबॉक्स करते हैं। एक्चुअली अनबॉक्सिंग मैं कर चुका हूँ एक बार ही, तो बट आपको दिखाते हैं कि हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। ये पहला डब्बा, पहले डब्बे के अंदर ट्रांसपेरेंट केस, जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, थोड़ा ग्रेइश है अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो, एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं है, वाइट, और कुछ कागज़ी कार्रवाई जिसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं आता। उसके नीचे है फ़ोन को मैं उसके कवर से निकाल चुका हूँ। फ़ोन के नीचे आपको ये सुपर डार्ट चार्जर मिलेगा 65 वॉट का, जो आपके फ़ोन को आधे घंटे के अंदर पूरा चार्ज कर देगा। और केबल है उसके नीचे, केबल के नीचे सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है। तो आप फ़ोन के ओवरव्यू की बात कर लें, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ठीक ठाक है। आजकल जैसी फ़ोन्स में आ रही है, रियलमी के फ़ोन्स में जैसे होती है किसी ना किसी तरह का पैटर्न या डिज़ाइन होता है, वैसा ही पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इस तरह से वी बनकर आता है। तो ये ब्लैक कलर वेरियंट मेरे पास है, अच्छा लग रहा है, बस कुछ नया सा नहीं है, बहुत कॉमन होता जा रहा है। पॉलीकार्बोनेट है, प्लास्टिक की बैक है, इट्स नथिंग लाइक ग्लास, पर दिखता ग्लास जैसा है। चार कैमराज आप पीछे देख सकते हैं, और नीचे की तरफ एक 3.5 mm हेडफोन जैक है, जिससे हमको बहुत प्यार है। और स्पीकर ग्रिल है, इसके अलावा USB टाइप सी पोर्ट है, जो कि अब स्टैंडर्ड होता जा रहा है सारे फ़ोन्स में, आईफोन को ऑफ कोर्स छोड़कर। सस्ते रियलमी और शाओमी के फ़ोन्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसको जल्दी से स्विच ऑन कर लेते हैं। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पर पावर बट वॉल्यूम रॉकर और सिम कार्ड ट्रे है। राइट हैंड साइड पर ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है, पावर बटन है। तो हम इसको खोल के देखते हैं जल्दी से और क्या क्या मिलने वाला है हमें अंदर, कैसा है इसका इंटरफेस। ओके, और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट भी दिखाते हैं आपको, जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमने लॉक किया, ये हो गया ये अनलॉक, ये हमने किया लॉक, ये हो गया अनलॉक। बहुत फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जैसा रियलमी के फ़ोन्स में नॉर्मली होता है। ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देते हैं। तो डिस्प्ले 6.4 inches की है, फ़ोन हैंडी है, हाथ में पकड़ने में अच्छा फील दे रहा है, और थोड़ा बल्कि ज़रूर है। मैं सैमसंग F41 यूज़ कर रहा हूँ, 6000 mAh की बैटरी के बाद भी वो फ़ोन इतना बल्कि नहीं फील होता जितना ये 4500 mAh की बैटरी में बल्कि फील हो रहा है, थोड़ा वेट भी लग रहा है इसमें। खैर नहीं हो, तो डिस्प्ले अच्छी है, पंच होल कटआउट है, 16MP कैमरा है, और रियलमी UI है, 90Hz का डिस्प्ले है। थोड़ा बहुत फ़र्क लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट लाइक 60Hz। कैमरा के अंदर आपको समझ में नहीं आएगा, बट हम रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं तो हमें फ़ील हो रहा है 90Hz।
इसकी स्क्रॉलिंग स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छी है, बढ़िया फील हो रहा है। और इसके अलावा कैमरा, चार कैमराज हैं जैसे आजकल ट्रेंड बन चुका है, कुछ सैंपल्स हैं दिखाते हैं आपको। ये फ़ोन के नॉर्मल कैमरा से लिया गया है जो आई थिंक 12 मेगापिक्सल में फ़ोटोज़ लेता है, और ये इसका बोके इफ़ेक्ट है, पोर्ट्रेट मोड में लिया गया फ़ोटो है। ये 48 मेगापिक्सल से लिया गया फ़ोटो है, जूम 12 करने के बाद आपको बढ़िया दिखाई देता है। ये भी उसके 48 मेगापिक्सल से लिया हुआ फ़ोटो है, ये नाइट मोड में लिया है, और इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ ठीक ठाक लाइट हो तो ले लेता है, ये अंधेरे में फ़ोटो खींचा है नाइट मोड से, ठीक है इसका नाइट मोड, नॉट द बेस्ट। और ये अगेन 64 मेगापिक्सल, और ये इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है, सेम एंगल से सेम शॉट आपको अलग अलग दिखाई देगा। ये सेल्फी कैमरा है, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल, अच्छे कलर्स निकाल रहा है, बढ़िया। एज डिटेक्शन की बात करें तो एज डिटेक्शन परफेक्ट नहीं है लेकिन अच्छा है, आपको नॉर्मल सोशल मीडिया फोटोग्राफ्स वगैरह के लिए, पिक्चर वीडियोस के लिए कोई प्रॉब्लम इससे नहीं आने वाली। और ये 48 64 मेगापिक्सल के सारे कैमराज इसी लिए बनते हैं, ये आपकी प्रोफेशनल फोटोग्राफी या प्रोफेशनल स्पेशली वीडियोग्राफी के लिए नहीं है। फ़ोटोज़ तो अच्छे निकाल देते हैं बट लो लाइट फोटोग्राफी या जब आपको कुछ प्रोफेशनल वीडियो शूट करना है तो वहाँ पर ये चीज़ काम नहीं देती, देयर यू नीड बेटर कैमराज। तो या हम यही कहेंगे इस पे एक कॉमन सा कि ज़्यादा डिबेट करके किसका कैमरा अच्छा है किसका बुरा है, ये सब आसपास है, और जो आपको इससे बेसिक काम होता है ये सारे के सारे फ़ोन वो करते हैं। तो मैं उसकी डिटेल में ना जाते हुए यही कहूँगा कि जैसे और सारे फ़ोन हैं वैसा ही फ़ोन है ये भी। अब इसकी टेस्टिंग के बाद और पता चलेगा कि हीट अप वगैरह तो नहीं हो रहा है। फ़िलहाल फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा रहा, जिस प्राइस रेंज में ये मिला है डिस्काउंट के साथ वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ। ओके, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं, आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया, दैट मीन्स अ लॉट। तो थैंक यू गाइस फॉर टुडे, बने रहिए हमारे चैनल पर, ऐसी नई नई वीडियोस आपको जल्दी जल्दी देखने को मिलते रहेंगी। तो आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।